पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की रोड्स, इवन आपकी जो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, अगर आप कमीशन भी लेना चाहते तो 3-4 करोड़ रुपए बनती थी। आपने कमीशन को भी लात मारी, जब सड़क गलत बनी तो आपने मुतलिका ठेकेदार की भी सरजनश की, इसकी वजह क्या है? यहाँ से लोगों ने गुजरना है और ये लोगों के पैसे से बनने वाली सड़क है। अगर तो ये महकमे के किसी अफसर ने या ठेकेदार ने अपने बाप दादा के पैसे लाए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी मर्जी से खिराती काम करे और उसके बाद अपने पैसे लेके चला जाए। लेकिन अगर मेरे जंग के लोगों के पैसे हैं, गरीब आवाम के पैसे हैं, आप तो 22 करोड़ रुपए की सड़क की बात करते हैं, यहाँ से कोई माइकल लाल 22 रुपए भी ले जाए तो हम ऐसी तैसी ना फेर दें। कोई बंदा यहाँ से 1 रुपए की करप्शन कर जाए मेरी टीम में, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रह सकता। और कोई ठेकेदार यहाँ पे 1 रुपए की करप्शन करे उसके बाद दोबारा, न सिर्फ ये कि वो उस काम को मुकम्मल करेगा बेशक वो अरब रुपए का काम क्यों ना हो, और कोई महकमे का बंदा मुझसे मेरे काम से या मेरे ठेकेदार से कोई करप्शन करे, कोई परसेंटेज मांगे, उसको भी अल्लाह की मेहरबानी से हम रहने नहीं देते। आमतौर पर देखा है MPs MNAs मुबैना तौर पर परसेंटेज लेते हैं ठेकेदारों से, वो कहीं ना कहीं उनके, वो पंजाबी में कहते हैं कि काने हो जाते हैं, वो गलत मटेरियल भी डालें, खराब मटेरियल भी डालें, नाकिस मटेरियल भी डालें तो वो उनकी सरजनिश नहीं करते। आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया कि सड़क गलत बनी है तो दोबारा मटेरियल ठेकेदार अपने पैसों से बनाएगा, डालेगा, और ये जो सड़क है इसको सही मायनों में बनाएगा? देखिए बात ये है कि 10 से 15 करोड़ रुपए आपके घर में आ जाए तो हर किसी को अच्छा लगता है, बड़ी आपकी रहने की जगह हो, बड़े आप सहूलत से रहें, इज्जत से रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने जिस नबी करीम का कलमा पढ़ा है और हम जिस मुल्क को कलमे के नाम पर ले चुके हैं और हम जिन ऐवानों में बैठे हुए उनकी पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, क्या हम जैसे नुमाइंदों को ये जेब देता है कि हम कलमा तैयबा के नीचे से गुजर के असेंबली में जाएं और वहाँ से गरीब लोगों के फंड है और उसमें से अपने हिस्से रख के घर चले जाएं? इस समय तो और कितनी सड़कें हैं जहाँ पर ठेकेदारों ने गलत काम किए और आपने उनकी सरजनिश की और दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया? इससे पहले हमारे इलाकों में सिद्दीकाबाद के इलाके में एक सोलंग पे काम हो रहा था, वहाँ पे नाकिस ईंट इस्तेमाल हो रही थी, वो मैंने फौरी उठवाई। इसी तरीके से हरमलपुर के इलाके में एक जगह पे नाकिस काम हो रहा था, वो जाके मैंने खत्म करवाया। ये रोड हमारी बड़ी स्कीम्स में पहला है जिसपे रकम जो है वो ठेकेदार की लग चुकी हुई थी, अभी उसको बिल क्लियर नहीं हुए थे कि हमने वो सारी ट्रालियों में लोड करके उठवा दी कि नहीं मेयारी काम करना है। अब तो हमारे अल्लाह खैर करे को बंदा ठेकेदार भी आता है तो वो इस्तखारा करके आता है कि पता नहीं मेरे साथ वहां क्या होगा। ये 3 मरले के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, इनके वालिद साहब भी 7 दफा MPs और MNAs मजमुई तौर पर इसी हलके से बने। ये वाहिद MPA हैं पाकिस्तान के जो नायब खतीब भी हैं। लोगों के मसले मिसाइल जो हैं वो मसाजिद में सुनते हैं। उसकी रीजन ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फलाही काम होते थे, सियासत खिदमत का काम है, खिदमत का नाम है, उन तमाम के मामलात को भी मसाजिद में सुना करते थे। ये तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दीनी रहनुमा भी हैं, रुफका भी हैं, उन्होंने मस्जिदों को नमाज की हद तक, एतकाफ की हद तक महदूद रखा, उसके बाद ताले लग जाते हैं, तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि आप दीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने तो मसाजिद के हवाले से ये तजवीज भी उस्मान बुज़दार को और PM इमरान खान को दी थी कि आप मसाजिद के जो हाल हैं उन्हीं को आप पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि लोग वहाँ पे आए। आप देखेंगे हुजूर अली सलाम को मिलने के लिए जब ईसाइयों के वफूद भी आते थे तो हुजूर अली सलाम उनको मस्जिद नबवी में ठहराते थे। मसाजिद हमारे बुनियादी तौर पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। इनके घर की तरफ चलते हैं और आपको इनका घर भी दिखाते हैं, और इस MPA का घर देखकर आप शायद हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल है इसका। सर आइए, ये इस घर में रहते हैं। 3 मरले का छोटा सा घर है जो कि किराए का है, अपना इनका जाती भी नहीं है। इनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे, मस्जिद की इमामत की वजह से उनको एक रिहाइश के लिए जगह दी गई थी जो कि रेंट पर है और जिसका किराया ये आज भी पे करते हैं। इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। अगर मैं इनकी गलियों की बात करूं तो टूटी हुई गलियां हैं। इन्होंने वो तमाम गलियां जो इनकी गली से इर्द गिर्द की हैं, मोहल्ले से इर्द गिर्द की हैं, उनको प्रायोरिटी पर पहले बनवाना शुरू किया और अपनी गली की बारी बाद में आती है। अगर मैं घर की बात करूं तो एक शटर है, इस शटर को ऊपर उठाते हैं खुद ही और गाड़ी को अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बिल्कुल साथ एक ऑफिस है और ऑफिस में सब लोग नीचे बैठते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं। ये सामने बिल्कुल इनके घर के मस्जिद है। ये पहले MPA हैं जो नायब खतीब भी हैं मस्जिद में, जुम्मा भी पढ़ाते हैं और इमामत भी करवाते हैं नमाजों की।
मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसा एमपीए या एमएनए नहीं देखा जिसके घर का पाइप भी टूटा हो और पानी की लीकेज हो रही हो वहाँ से। पैसे कहीं छुपा के रखे हुए हैं या तर्ज जिंदगी है ही है? आपने पहली मर्तबा ऐसा एमपीए देखा है। मैंने अपने से पहले एक एमपीए भी ऐसा देखा हुआ है। उस एमएनए और एमपीए का नाम मौलाना आजम तारिक है, जो मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि जेल में बैठ के इंतखाब जीत लिया, बल्कि यहाँ हजारों लोग अपने मसाइल लेके आते थे। मैंने ये सब कुछ उनसे सीखा। ऊपर वाला घर भी आपका देख रहा हूँ जिसमें टीआर और गार्डर पड़े हुए हैं, बड़ा खस्ता हाल है। घर क्यों नहीं बनाया? वाले साहब भी 7 दफा असेंबलियों में पहुँचे, आप खुद भी असेंबली में हैं। जितनी एक एमएनए या एमपीए की तनख्वाह होती है, उससे अगर ऊपर वाला घर बनता होता, उससे अगर बड़े बड़े फार्म हाउस और हिरन और मोर और खूबसूरत एक जिंदगी का नक्शा कायम किया जा सकता होता, तो मेरे वाले साहब भी कर लेते, मैं भी कर लेता। मुझे तो उस तनख्वाह में ये सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आता। अगर किसी का बन जाता है तो वो मेरे साथ रابطہ जरूर करे, ताकि मैं भी अपने लिए आसानियां पैदा करूं। आपके अपने घर की और गली की जो सड़क है वो अभी तक खस्ता है, लेकिन इर्द गिर्द की आपने सड़कें सोलिंग करवा दी है, इसकी रीजन क्या है? सियासी नुमाइंदे का मतलब ये है कि आप उस कौम के खादिम होते हैं। खादिम अपना खूबसूरत गली मोहल्ला सब कुछ बना ले और बाकी लोग पीछे रह जाए। मैंने पहले काम शुरू करवाया मर्जीपुरा में, मुख्तलिफ इलाकों में, हरमलपुर में, लूले शाह में, हमने वहाँ काम शुरू करवाया। लेकिन मैंने मोहल्ले वालों को कहा पहले आपकी गलियाँ बनेंगी, मैं आपको भी विजिट कराता हूँ, आखिर में मैं अपनी बनवाऊंगा अगर ग्रांट बच गई तो। जी ग्रांट मिलेगी तो सबसे पहले इनकी अपनी गली बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि अपनी गली नहीं बनेगी, सबसे पहले मेरे वोटर्स की गली बनेगी। इनके मोहल्लेदारों से हमने इन्वेस्टिगेशन की कि जब इनके वाले साहब इस हलके में सुई गैस सबसे पहली दफा लेकर आए, 2 साल तक इनके घर में सुई गैस नहीं थी, बारी 2 साल के बाद आई और 2 साल तक इनकी वालदा लकड़ियां जलाते रहे। आपके वाले साहब ने मस्जिद में सियासत की, 7 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीते, तो क्या करोड़ों रुपए उन्होंने लगाया या उनके पीछे कोई बड़े इन्वेस्टर्स थे? मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने हमें दी है। इन लोगों की सियासी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हम यहाँ पे इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगाते नहीं है। मेरे 8 लाख रुपए लगे हैं मेरे इलेक्शन पे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं, हम ऐवान में पहुँच के फिर उनको भूलते भी नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान का वो पहला एमपीए है जो 3 मरले के छोटे से घर में, जो कि किराए का है, इनका अपना जाती भी नहीं है, लोगों के इज्तमाई मामलात और उनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं मस्जिद में बैठकर निकाले जाते हैं। इन्होंने खराब सड़क जो बनी उसकी दोबारा कारपेटिंग का हुक्म दिया, ठेकेदार की सरजनिश की, इसके साथ साथ वो तमाम गलियां जिनमें सोलिंग पड़ चुकी थी, ईंटें पड़ चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि ईंटें 2 नंबर हैं या जो चनाई का मसाला है वो भी